ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभूराम जसवाल द्वारा उपस्थित सदस्य को एजेंडे की जानकारी के साथ मंच संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। हिमाचल पेंशनर संघ हमीरपुर जिला इकाई की मासिक बैठक जिला प्रधान केसी गौतम की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में संपन्न हुई। महासचिव शंभूराम जसवाल द्वारा उपस्थित सदस्यों को एजेंडा की जानकारी के साथ मंच संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सर्वप्रथम बैठक में संघ संस्थापक बीडी शर्मा की धर्मपत्नी मीना शर्मा, हाकमचंद निवासी कुसाड़पुर निवासी जड़ोह के असामयिक निधन पर दिव्यांग आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। बैठक में भाग लेने वालों में संघ प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा, संरक्षक साली ग्राम ठाकुर, टौनी देवी प्रधान, जगदीश चंद शर्मा, हमीरपुर खंड प्रधान करमचंद, पुरुषोत्तम शर्मा, कुलवंत चोपड़ा, प्रेस सचिव अनुरोध डोकरा आदि प्रमुख रही। बैठक में पेंशनरों की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रदेशाध्यक्ष द्वारा आश्वासन दिया गया कि वे पेंशनरों की लंबित मांगों व समस्याओं के बारे में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। जिला प्रधान द्वारा कहा कि पेंशनरों को पहचान पत्र जारी करवाए जाने की दिशा में प्रयासरत है और 105 पेंशनरों के मामले जिला कोषाधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजे जा चुके हैं और आज की बैठक में पहचान पत्र हेतु फॉर्म प्राप्त हुए हैं। उनके द्वारा हमीरपुर खंड पदाधिकारियों से आह्वान किया कि हमीरपुर शहर में सदस्यता का कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रम बनाया जाए। उक्त के अतिरिक्त बैठक में कोषाध्यक्ष लेखराम कौशल, प्रेमचंद शर्मा, वरिष्ठ उप प्रधान विचित्र सिंह ठाकुर, उप प्रधान दीप चंद शर्मा, तारा चंद धर्म सिंह नुकाल, हरवंश सिंह कतना, प्रताप सिंह ठाकुर सहित अन्य पेंशनरों ने भाग लिया। आज हिमाचल पेंशन संघ की जिला स्तरीय मासिक बैठक हमारे जिला के प्रधान श्री केसी गौतम की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें मुख्यतः आज जहां संगठन के बारे में चर्चा हुई, वहीं जो जिला के अंदर ये पहचान पत्र बनाने की प्रक्रिया जो है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर हैं उनके सौजन्य से, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम हमारे जिला प्रधान ने जिला में चलाया है और इसके अंतर्गत जिला में अभी तक 105 पेंशनर्स के पहचान पत्र बना दिए गए हैं और आज हमने अन्य ब्लॉकों को भी कहा है कि इस कार्य को युद्ध स्तर पर आरंभ रखा जाए और अगली मीटिंग तक इनको सारे कलेक्ट करके उनको बनवाने की प्रक्रिया में सहयोग दें। इसके साथ ही हमारी ये 65, 70 और 75 की जो डिमांड है, इसके लिए हमने सरकार से हम बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं और सरकार को हम स्ट्रेस करेंगे कि जो 5, 10 और 15 हमें इसका महंगाई ये पेंशन भत्ता जो मिला हुआ है, इसको हमारी बेसिक पेंशन में ऐड किया जाए ताकि हमें जो डीए का लाभ है वो भी प्राप्त हो सके और विशेष करके जो हमारे पेंशन है वो वरिष्ठ नागरिक हैं तो उनके तीर्थाटन के लिए हम सरकार को ये भी ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं कि जो 2 साल में एलटीसी के यूज में पंजाब आधार पर एक बेसिक पेंशन मिलती है वह भी हमें प्रदान की जाए। और इसके साथ ही हम अन्य जिलों में भी संगठन के कार्य को देख रहे हैं। अभी हमने मंडी का दूसरा दौरा किया है, वहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कांगड़ा में भी हमने ये संगठन की बात की है, वहाँ भी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और वहाँ पर हमने एड ऑफ बॉडी बना दी है डिस्ट्रिक्ट की और बाकी जिलों में भी काम चला हुआ है और बहुत जल्दी हम सोलन और बिलासपुर में संगठन को और सुदृढ़ करने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएंगे ताकि इस संगठन को बिल्कुल मजबूत किया जाए और हमारे पेंशन भवन का हमीरपुर में जो काम लगा हुआ है, वाइट वॉशिंग का काम जो है वो चला हुआ है। हमारे जो पेंशन भवन है इसका जो साइट का ये थोड़ी कच्ची जगह है, इसमें डंगे देने का हमने रखा हुआ है तो इसमें हमारे स्थानीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी ने 2.5 लाख की राशि का प्रावधान किया है, इसको भी हम बहुत जल्दी इस डंगे के यहाँ लगवाएंगे। और इसके साथ ही अनुराग ठाकुर जी ने भी हमें ऊपर जो हमारा हॉल है उसके लिए टाइलिंग के लिए 3 लाख रुपये दिया हुआ है,
उसको भी टाइलिंग जो है वो दिसंबर तक हम दिसंबर में हम या जनवरी में उसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके साथ ही हमारे अन्य जो MLAs हैं, मंत्री हैं, उनसे भी हम संपर्क साधे हुए हैं ताकि हमें और पेंशन भवन को पूर्ण करने में उनका सहयोग मिले। धन्यवाद जय।